क्या नाम है बेटा आपका? टीचर। पढ़ने जाती हो? आज गई थी? फिर क्यों भागा स्कूल से? हमें जो समस्या है कि मतलब सफाई कर्मी नहीं आ रहा, गंदगी मची है। गंदगी के कारण जो बच्चे लोग बीमार हैं, जे पड़े हैं, और हर मतलब वहाँ से निकलते हैं तो गंदगी मची, तो दिन भर बच्चे खेलते हैं तो वहाँ भी गंदगी है, तो उसके कारण बच्चे बीमार हैं। 8 महीना हो गए, उसकी तो शकल ही नहीं देखी। क्या समस्या आपको? नाली पूछी थी, नाली से गंदगी फैल रही। गंदगी फैल रही है तो क्या परेशानी हो रही है? जो है कि मलेरिया आ रहा, बुखार आ रहा, टाइफाइड आ रही। किसी से आपने कहा, कोई प्रयास किया सफाई कर्मी को बुलाने के लिए? प्रधान से किया था। ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में सफाई कर्मी नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने 5 माह पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक व संगठित करते हुए इस समस्या पर बदलाव ला पाया हूँ। सफाई कर्मी मतलब गंदगी के कारण बीमारी फैलती थी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे, ज़्यादा गंदगी मची थी। आपकी परेशानी कैसे दूर हुई? मतलब वीडियो बनाया, वीडियो के बाद मीटिंग के बाद फिर ब्लॉक पे ले गए, इसलिए मेरे वहाँ कंप्लेंट की। इसके बाद मतलब की कंप्लेंट, इसके बाद हमारी सफाई कर्मी आने लगा, तो परेशानी इसलिए भी है। अब आपको कैसा लग रहा है? अब हमको अच्छा लगता है, मतलब सफाई होती है। यहाँ के लोगों का कहना कि आप 6 माह से नहीं आए, तो आपका क्या कहना है? ये हमारा कहना है, हम तो सब सफाई करेंगे, आएंगे और ठिलिया मिल जाएगी, उसको कचरा फेंकेंगे, कचरा काय से फेंकेंगे, निकाल ली नाली फेंकेंगे, और जैसे सामान मिलेगा तो काम करेंगे, और जो कछु हो गया आज के बाद जो गलती ऐसी नहीं होगी। प्रधान जी से भी कह दी हम। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी प्रकार समुदाय की समस्याओं पर वीडियो बनाता रहूँ और उनके सहयोग से बदलाव लाता रहूँ। मैं शंकरलाल बुंदेलखंड से ललितपुर से इंडिया अनहेड के लिए।